पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के फेमस साइकियाट्रिस्ट मिस्टर डॉक्टर मनोहर सर, डॉक्टर इरफान सर, डॉक्टर अमूल पतंगे सर, जो हमारे सिटी में, इनका सोसाइटी में, इनके पिताजी का, इनका सबका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है अमूल पतंगे सर का, और यहाँ पर सोशल मीडिया पोर्टल्स के तमाम चीफ एडिटर्स, खिदमत मिल्लत के वॉलंटियर्स, आज यहाँ पर जो मीटिंग की जा रही है कि पिछले कई दिनों से हमने गुलबर्गा सिटी में देखा कि क्राइम रेट डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा था, तो हमारे खिदमत मिल्लत के वॉलंटियर्स और हम लोगों ने इसका कॉज ऑफ क्राइम मालूम किया, तो मालूम हुआ कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि ड्रग है, जो इलीगली तौर पर हमारे फॉर्म मेडिकल्स में इजीली मार्केट में अवेलेबल था। इसको देखते हुए हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर श्री सतीश कुमार जी सर से, और उसके बाद में ड्रग कंट्रोलर एडीसी मैडम, सब लोगों को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने कोऑपरेट किया, फिर मेडिकल एसोसिएशन के जनाब अतीक साहब और इमरान साहब भी हमारे साथ मिलकर बड़ा कोऑपरेशन किया। इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारा यूथ ड्रग एडिक्टेड हो गया है, उसको किस तरीके से डी एडिक्ट किया जाए, आज के मीटिंग का यही एजेंडा है, यही मकसद है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन करने में, मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इलीगली ड्रग सेल नहीं करेंगे। अभी अभी मीटिंग में यही डिस्कस हुई कि जो ड्रग एडिक्टेड हैं उन्हें ड्रग मिलेगा हर मेडिकल में, बट कंडीशन अप्लाइज ये कि ये डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लीगली तौर पर उनको ड्रग मिलेगा। वो ड्रग इसलिए मिलेगा कि उनको डी एडिक्ट करने के लिए, इमीडिएटली अगर उनको छोड़ने के लिए कहा जाएगा तो इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ गुटखा टबैको इजीली छोड़ नहीं सकते। ये तो एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जो सोसाइटी में इसके स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं। इसको ख़त्म करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है, वो स्ट्रैटेजी यही है कि मेडिकल में ड्रग मिलेगा ये, मगर कंडीशन यही है कि ये साइकियाट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिकल मिलेगा। मकसद वो ड्रग प्रोवाइड करने का, उनको डी एडिक्ट करना है। तो अब हमने फिर उस ये बात को लेकर डॉक्टर अमूल पतंगे सर से, डॉक्टर मनोहर सर से, डॉक्टर इरफान सर से एक रिक्वेजिशन रखी कि देखिए हम ये इनिशिएटिव सिटी में ले रहे हैं, तो हमको आप लोगों का कोऑपरेशन बेहद ज़रूरी है। तो इन्होंने कोऑपरेशन करने के लिए कमिटमेंट किया और अवेयरनेस कराने के कई एक स्ट्रैटेजीज बताए, और इन्होंने ये भी कहा कि हम ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बट उसके लिए भी कंडीशन ये है कि वो पेशेंट हमारे ज़रिए से, रेफरेंस से अगर ये डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट भी, कंसल्ट भी किया जाएगा। डी एडिक्शन का जो इशू है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो एक आदमी जिसको जितना खाना होता है, खाने का जितना ज़रूरत है, उतना ही उसको ड्रग चाहिए ज़िंदगी चलाने के लिए, रोज़मर्रा का ज़िंदगी चलाने के लिए। तो ऐसे आदमियों को हम पट बोल के हम गोलियाँ बंद करना, दवाई बंद करना, उनका ड्रग्स बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके एक खुद के कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे कि सीजर्स बोले तो झटके का बीमारी, विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं हम उसको, झटके का बीमारी आने का, और उसके साथ साथ में उसके वो कहाँ तक जाएगा कि कॉम्प्लिकेशंस में कि उसका मौत तक हो सकता है, पेशेंट का मौत तक हो सकता है। तो उसके लिए हम ये जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम साहब से जो चालू कर रहे हैं, उसके लिए हम फर्स्ट और इनिशियली हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके साथ में हम जो साइकियाट्रिस्ट है यहाँ पे, हम पूरा साहब के साथ हम हाथ मिला के हम चलने वाले हैं, इसमें कुछ दूसरी बात नहीं है। और जहाँ पे पैसों का जब जहाँ पे बात आता है, हम समाज के लिए जो हम वाह बाबा के साथ जो है, हम पैसों के बारे में नहीं सोचेंगे। जो एडिक्टेड है पेशेंट्स, उनको हम ट्रीटमेंट
एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करने की पूरा 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 कोशिश करें सर्विस के लिए। जो है मीटिंग जो आज की गई है उसको जो है ये चैनल बनाया गया है कि जो ड्रग एडिक्ट है जो छोड़ना चाहता है जो उसको जो है सुनहरा मौका है कि इस चैनल से जो है अप्रोच करके जो साइकियाट्रिस्ट है हम हैं गवर्नमेंट में हैं उनसे अप्रोच करके जो है हमारे से ट्रीटमेंट लेके ये इससे बाहर कैसे आए तो ये मुमकिन है अगर पेशेंट जो है इरादा करे नियत करे कमिट करना ये बहुत ज़रूरी है। इमिडिएटली हम जैसे सर बताएं बंद नहीं कर सकते पेशेंट को प्रॉब्लम होता है विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं उसको जैसा कि नींद के गोली हम उसको बेंजोडाइजेपिन विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें जैसे कि एकदम बंद करने से नींद नहीं आना डर लगना घबराहट होना हाथ पैर थर थर आना झटका भी मार सकता है कभी कभी पेशेंट जो है ज़्यादातर पेशेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि एक चीज़ नहीं तीन चार चीज़ यूज़ करते हैं तो उनको पॉली सब्सटेंस अब्यूज़ या डिपेंडेंस बोलते हैं जैसा कि नींद की गोलियाँ यूज़ करना गांजा यूज़ करना कॉफ सिरप पीना शराब पीना ये सब चीज़ें पेशेंट में होती हैं तो इमीडिएटली नहीं बंद कर सकते पेशेंट को जो है जानलेवा हो सकता है जैसे कि सर ने बताया है। तो अगर हमारा बेसिकली आइडिया क्या है हम जब आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो पेशेंट के अंदर हार्म रिड्यूस करना है मतलब नुकसान रिड्यूस करना है जो ड्रग्स यूज़ करने से होता है बहुत सारे होते हैं फिजिकल होते हैं साइकोलॉजिकल होते हैं फाइनेंशियल होते हैं ये एक इशू को जो है सॉल्व करने के लिए हमारी सर्विसेज हम इन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजी हम लोग स्टार्ट किए हैं वाज बाबा के जो है डायरेक्शन और गाइडेंस में इंशाल्लाह अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। वहाज बाबा ने जैसा डिस्कस किया है कि भाई ये जो क्राइम हो रहा है गुलबर्गे में इसकी एक मेजर रीज़न जो है ना ड्रग एब्यूज़ है। ड्रग एब्यूज़ जैसा हम आज यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड और डॉक्टर्स जो बैठे हैं मैं ये एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ सिर्फ दवाइयाँ ही एब्यूज़ नहीं होते शराब है गांजा है हीरोइन है दूसरे जैसा बच्चे जो है ना पेट्रोल है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको जो है ना एब्यूज़ और मिसयूज़ किया जाता है वो सब चीज़ें एडिक्शन में आती हैं। जैसा एक वजह वहाज बाबा ने बताई है कि क्राइम की वजह ड्रग्स है तो उसी तरीके से हमारे पास जब पेशेंट आता है हम एज ए डॉक्टर हम ये देखते हैं कि ये आदमी ड्रग की आदत को क्यों लगाया उसके कई सारे वजह होते हैं। कोई कई मर्तबा क्या हो जाता है कि दोस्तों के प्रेशर में हंसी मजाक में चलो इसका मज़ा देखेंगे ऐसा भी शुरू हो सकता है। कभी कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो उसमें जो है ना ड्रग एब्यूज़ हो सकता है। हम अक्सर अपनी प्रैक्टिस में सुनते हैं कि भाई ये आदमी बहुत हार्ड काम करता है बगैर शराब पिए कि नींद नहीं आती उसको पीना ज़रूरी है ऐसा शुरू कर सकता है। कई सारे बिजनेस फेलियर्स हैं लव फेलियर्स हैं या कोई भी आपके जो है ना पर्सनल स्ट्रेस की वजह से भी जो है ना लोग ये ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो एज ए डॉक्टर अब हमारा काम ये है कि हम उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉज क्या है फिर उस हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। जैसा कि अब ये मुहिम चल रही है कि इमीडिएटली अगर ड्रग बैन किया जा रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है मगर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट इसके नुकसानात फ़ायदे से ज़्यादा हमको नज़र आ रहे हैं आज की मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ। तो हमारा ओवरऑल साइकियाट्रिस्ट और हम वहाज बाबा और फार्मेसी वालों का डिस्कशन यही रहा कि भाई इसको सडनली अगर बंद करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं और जो है ना पेशेंट या उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है कई सारे इसके नुकसान हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये मुहिम को इस प्रोग्राम को हम ग्रेजुअली लेके जाएंगे ग्रेजुअली इन द सेंस कि अब यहाँ पे जिम्मेदारी मैं मेडिकल स्टोर्स वालों को ये देना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई ड्रग्स के लिए आ रहा है तो आप क्या करिए उसको जो है ना साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र करिए कि भाई आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए कंसल्ट करिए आपको ये ड्रग मिलेगी बट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू और आपका ट्रीटमेंट भी होता हुआ रहेगा। तो ये पेशेंट के लिए भी अच्छा है पेशेंट के घर वालों के लिए भी अच्छा है और जिसे बताएं कि भाई इंशाल्लाह हम अगर इसमें कई सारे वक्त ऐसा देखने में क्या आता है कि लो पावर्टी लाइन या गरीब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें अगर वैसा बिल्कुल केस है तो मैं हूँ डॉक्टर अमूल सर हैं मुनव्वर सर हैं इंशाल्लाह हम
24/7 हमारी ओपीडी में, हमारे हॉस्पिटल में हम अवेलेबल रहते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है हम उसको कंसल्टेशन देंगे। इस आदत को छुड़ाने के लिए हम उसको हेल्प करेंगे। बेहद खुशी की बात है कि वहाद भवा की निगरानी में जो है वो मुहिम को स्टार्ट कर रहे हैं, जो जिससे कि जो है हमारी सोसाइटी और हमारे माशरे में जो है खुशहाली आ सकती है। ये सपना हमारे अप्पू गौड़ा साहब का भी है, चूँकि GDCDA के आप प्रेसिडेंट हैं, हमारे जोशी सर जो सेक्रेटरी हैं, वो लोग का मैसेज यही है कि आने वाले दिनों में जैसे कि हमने वहाद बाबा की सीरियसनेस और उनकी टीम की सीरियसनेस को देख के, पहले भी हम लोग काफ़ी एज़ पर जो ड्रग डिपार्टमेंट के नॉर्म्स हैं उसी के ऊपर से चलते थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे ब्लैक शिप्स हमारे पास भी हो सकते हैं जो ड्रग अब्यूज़ के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी सख्त से सख्त इसको मजम्मत ड्रग डिपार्टमेंट भी करता है, साथ ही साथ हम लोग का GDCDA भी करता है। तो जो आप ये मुहिम उठाएं उसके साथ हम लोग साथ में हैं, और जितना हो सकता है हम इसमें जो है हमारा योगदान रहेगा ड्रग फ्री गुलबर्गा के लिए। एंड मैसेज वो ड्रग अब्यूज़ जो लोग हैं उनके लिए, नथिंग इज़ परमानेंट एंड परमानेंट इज़ चेंज। आप सिर्फ नियत कीजिए, यहाँ पे साइकियाट्रिक पूरी टीम रेडी है अंडर द बैनर ऑफ डॉक्टर वहाज बाबा। इंशाल्लाह आप लोग एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमको भी काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू। यहाँ पे एक थोड़ी सी जो है ना डिफ़िकल्टी जो मेडिकल स्टोर वाले को फेस करना पड़ती है कि वहाँ पे ज़ोर शोर से ये बोला जा रहा है कि भाई मेडिकल की दुकान पे नशे की दवाएं मिलते हैं। ड्रग इज़ अ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू क्यूर ट्रीट एंड डायग्नाइज द डिसीज़। अगर कोई भी चीज़ अनवांटेडली अगर ली जाती है, खाना हो या जो है ना कोई और चीज़ हो, तो वो जो है ना नशे की शक्ल में आती है। और जब कोई मेडिकल स्टोर ओपन करता है कम्युनिटी सर्विस करने के लिए, तो वो खुद नहीं चाहता कि उसका ड्रग अब्यूज़ हो जाए। वो जो है ना, आप कभी भी फार्मेसी को देखते होंगे कि एक बैरियर रहता है, फार्मेसी में डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ओपन नहीं रहती फार्मेसी, एक काउंटर रखा जाता है जहाँ तक वो पेशेंट आ सकता है विद प्रिस्क्रिप्शन, और वहीं से उसको जो है ना दिया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं से ले नहीं सकता। और ये फार्मेसिस्ट की डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो कोई भी डिस्पेंस नहीं करता। अब कुछ वजहत हो सकते हैं, मिसगाइड किया जाता है, पुरानी प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया जाता है, या कहीं कुछ जो है ना ओल्डर पेशेंट के लिए चाहिए बोल के, तो कई कॉजेस हैं। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि जनाब वहाज बाबा साहब ये जो है ना इनिशिएटिव लिए और ये डॉक्टर्स की टीम को बुलाए, और पतंगे साहब का, इरफान साहब का, मुनवर हुसैन साहब का ये जो एनर्जेटिक जील और जो है ना क्यूरियोसिटी देखने में आई है, वो ऐसा लगता है कि भाई हम ज़्यादा देर करें हैं, वरना ये अगर एक्शन पहले लिया जाता तो शायद गुलबर्गा का एक 15% इराडिकेट हो चुका होता अब तक। लास्टली मैं जो ड्रग एडिक्ट हैं उनके घर वालों से अपील करता हूँ कि आप हमारे पास हमेशा ये बोल कर आते हैं कि मेरा बेटा नशे में इन्वॉल्व हो गया, मेरे शौहर नशे में इन्वॉल्व हो गए। ये एक अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए कि यहाँ पर डॉक्टर्स ने वॉलंटरली तौर पर आपके सामने आकर कहा कि ये लोग अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, तो इन ये अपॉर्चुनिटी का पूरा यूज़ कीजिए, इनके सर्विसेज लीजिए, एक बेहतरीन ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, जो भी एडिक्शन इसमें है, ड्रग एडिक्टेड है, वो लोगों के लिए एक